हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आज हम लोग इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है वो मैंने पढ़ा दिया है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जितना भी और क्वेश्चन आंसर है, पेज नंबर 12, पेज नंबर 15 और अभ्यास के जितने भी प्रश्नोत्तर है, सब हम लोग चैनल में डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इससे इसकी ऊपरी परत हट जाती है, यानी ऊपरी सतह हट जाती है, तथा साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाए, जिससे मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। मतलब वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि इससे इसकी जो ऊपरी सतह में जो भी धूल कण इत्यादि जो लगा हुआ रहता है वो साफ किया जाता है, ताकि वायु के संपर्क में आके वो मतलब बढ़िया से जल पाए। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला का है, यहाँ पर ये पहला H2 मतलब हाइड्रोजन और Cl2 मतलब क्लोरीन, एरो 2HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब दूसरा में क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो, देखे फिर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर देखिए लिखा है 3BaCl2 प्लस AlSO4 ब्रैकेट में है, और एरो 3BaSO यहाँ पर 4 होगा 2AlC3। अब तीसरा में क्या बोल रहा है, देखिए, सोडियम प्लस जल मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए, इसका तीसरा का है 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2, इसका आंसर ये है पूरा, इसको आप नोट कर ले यहाँ से। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरा सवाल में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो यहाँ पहला का देखिए, यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ पर 4 होगा, एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, ये पहला का हो जाएगा। और यहाँ दूसरा में क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो दूसरा का यहाँ पर होगा NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। तो ये हमारा
पेज नंबर 6 का तीनों प्रश्न का उत्तर हमने देखा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का और भी जितना क्वेश्चन आंसर है मैं अपलोड करने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।